हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में ब्लू स्टार कंपनीज की डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस स्टॉक की कीमत 975 रुपये, एक दिन में 3% की गिरावट देखने को मिली, 5 दिन में 2% की गिरावट देखने को मिली, 1 महीनों में 6% की गिरावट, 6 महीनों में 19% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, ईयर टू डेट में 20% के रिटर्न, 1 साल में 24% के रिटर्न, 5 सालों में 116% के रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 13,430% के रिटर्न दिए। जैसा कि आप यहां देखते हो, लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी तो देखने को मिली, बट लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक्स ने काफी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। तो पहले हम बात करते हैं कंपनीज के चार्ट पैटर्न पर, फिर हम बात करेंगे कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो कंपनीज का चार्ट पैटर्न पर बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हो, तो इस स्टॉक्स में काफी गिरावट हमें देखने को मिली। तो जब भी आप स्टॉक ओपन करते हो, किसी भी कंपनीज का चार्ट ओपन करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखना है, जैसे कि मंथली चार्ट पैटर्न, वीकली चार्ट पैटर्न और डेली चार्ट पैटर्न, जिससे कि आपको एक व्यू पता लगेगा कि स्टॉक्स में चल क्या रहा है, इसका जो ट्रेंड है वो क्या है। जैसा कि आप यहां देखते हो, इस स्टॉक का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है और इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब आप ड्रॉ करते हो तो आपको और भी क्लियरिटी देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट इसके जब हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें ये देखने को मिला है। पहला इसका जो रेजिस्टेंस है ये वाला है और इसके बाद जो रेजिस्टेंस देखने को मिले 1104 रुपए का, और इसका जो हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट ये वाला एंड देन सपोर्ट हमें देखने को मिला है ये वाला। तो ऐसे ही अगर आप मंथली चार्ट पैटर्न पे अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है 1104 रुपए को, तो इसमें और भी तेजी देखने को हमें मिल सकती है। बिकॉज ऑल टाइम अगर जब हाई ब्रेक कर देता है स्टॉक तो उस स्टॉक्स में काफी तेजी देखने को मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी हमें रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला है। हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यह ऑलमोस्ट सपोर्ट लेकर वापस रेजिस्टेंस पे आए। जैसा कि आप यहां देखते हो, ऑलमोस्ट यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस गिरावट देखने को मिली, सपोर्ट बनाया देन वापस मूव हमें देखने को मिला। और आप यहां देखते हो, देखो स्टॉक का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से चल रहा है। जैसा कि आप यहाँ इसको ड्रॉ करते हो तो ये जो पैटर्न्स आपको देखने को मिला, एक ट्रायंगल पैटर्न्स देखने को मिला है, यानी जब भी स्टॉक मूव करता है तो एक ट्रायंगल पैटर्न्स में ही वो मूव करता है। मैं आपको बना के बता देता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आने लगेगा। जैसे कि ये जो पैटर्न है ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, जैसे इसने इसको प्रॉपर ब्रेक किया देन स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिली। उसके बाद आप यहाँ देखो वापस वही एक ट्रायंगल पैटर्न हमें देखने को मिला ये वाला, बट यहाँ पे जो पैटर्न है वो हमें दूसरा पैटर्न हमें देखने को मिला इस तरीके का डब्लू पैटर्न जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद देखो कंटिन्यूस अभी और स्टॉक्स में तेजी हो सकती है, बट यहाँ पर जब ये प्रॉपर ब्रेक करेगा इस स्टॉक का लेवल को देन स्टॉक में और भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। उससे पहले देखो, आप यहाँ देखो एक ट्रेंड लाइन जब आपने यहाँ पे ड्रॉ की, यहां से इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो कर रहा था बार बार सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट लेने के बाद जैसे इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया देन इस स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिली। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। जैसे कि आप यहां देखो, यहां पे भी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिली ये वाली, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ये प्रॉपर सपोर्ट ले रहा था और जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया देन स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे ही आप स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हो और आप लॉन्ग टर्म का व्यू पता लगा सकते हो। जैसे कि आप यहां देखो, इससे पहले काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था और जैसे इस लेवल को इसने प्रॉपर ब्रेक किया यहां पे, इस लेवल को जैसे इस सब ट्रेंड लाइंस को या यहां पे हम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इस स्टॉक्स में काफी हमें तेजी देखने को मिली। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाइए ताकि आपको एक व्यू पता लग सके। और यहाँ पे आप देखते हो बार बार मल्टीपल सपोर्ट आपे आने के बाद जैसे ही इस लेवल को इसने प्रॉपर ब्रेक किया देन स्टॉक्स में काफी तेजी हमें देखने को मिली। तो आई होप आपको ये टेक्निकल एनालिसिस समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कंपनीज के फंडामेंटल्स की। ये जो कंपनीज है यहाँ पे ब्लू स्टार मैन्युफैक्चरर्स एयर प्योरीफाइज, एयर कूलर, वाटर प्योरीफाइज, कोल्ड स्टोरेज एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। द कंपनीज तुर्की सॉल्यूशंस मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग्स में वर्क करती है। कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं काफी अच्छे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9000 करोड़ का है।
करंट प्राइस 900 रुपये, स्टॉक का लो 700 रुपये, हाई 1000 रुपये का। स्टॉक का प्राइस अर्निंग 63.6 है, बुक वैल्यू 92.5 है, यानी 92.50 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.40%, कंपनीज यहाँ पे काफ़ी कम डिविडेंड दे रही है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, फेस वैल्यू 2 रुपये की है, डेप्ट इक्विटी 0.51 है, कंपनीज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले, जैसा कि आप यहाँ देखते हो 31 करोड़ का कंपनीज का क्वार्टरली प्रॉफिट है। उसके बाद अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट की, तो वो भी काफी बढ़ते हुए हमें देखने को मिले, 144, 190, 143, 100, 150 करोड़ का प्रॉफिट है। बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी बढ़ते हुए देखने को मिले, और कंपनीज अपना जो बोरोइंग्स है उसको भी कम किया है। कैश की बात करें तो कंपनीज के पास यहाँ पर 343 करोड़ का कैश है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला, 42 करोड़ का। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 38% के स्टेक्स है, FIS के पास 10% और DIS के पास 22%, यानी सबसे बड़ा जो माल ले रखा है इस कंपनीज के DIS के पास है। अगर आप यहाँ DIS के डिटेल्स देखते हो तो HDFC, ICICI, SBI स्मॉल कैप, बड़े बड़े जो मल्टी कैप्स हैं, बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं, उन कंपनीज ने इन कंपनीज के इस शेयर्स ले रखे हैं। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 27% के स्टेक्स है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है, जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बिकॉज जब DIIs, FIIs इस स्टॉक के शेयर्स को खरीदते हैं, इतना होल्ड रख रहे हैं, तो आप सोच सकते हो इस स्टॉक्स में उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।